अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 3 दिवसीय लिट फेस्ट कसौली में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन अब सुप्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय खुशवंत सिंह की याद में आयोजित किया जाता है। कसौली में आयोजित होने वाले इस लिट फेस्ट में देश विदेश के हाई प्रोफाइल लेखक और सेलिब्रिटी शामिल होते हैं और मिलकर वर्तमान जलवंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस बार भी फिल्म जगत से शर्मिला टैगोर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा रही है। यह आयोजन 2012 से आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन को करने के लिए पिछले 3 वर्षों से प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए की सहयोग राशि देती थी, लेकिन इस बार ना जाने क्यों प्रदेश सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यही कारण है कि लिट फेस्ट के आयोजक इस बार काफी निराश दिख रहे हैं। रोष व्यक्त करते हुए खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह बॉस ने बताया कि उनके आयोजन पर करीबन 30 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिसमें से प्रदेश सरकार पिछले 3 वर्षों से 5 लाख रुपए का सहयोग देती थी, लेकिन इस बार अभी तक उनकी तरफ से कोई सहयोग राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लिट फेस्ट में ज्यादातर विदेशी लेखकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका खर्चा भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो सहयोग राशि जारी करे। हमने लिखा था कि प्लीज कंटिन्यू योर सपोर्ट दैट यू हैव बीन गिविंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स, तो वो हमको उनकी मदद हमको बहुत हेल्प करती थी जी। तो वो इस साल हमने उनको लिखा, कुछ उनका जवाब नहीं आया। मैं अभी तक होप कर रहा हूँ कि वो कुछ भेजेंगे, इसलिए कि ये फेस्टिवल हम बहुत कम बजट पे चलाते हैं। और देखो, आपने देखा है कितने लोग आ रहे हैं। पिछले जब हमने शुरू किया था ये फेस्टिवल को, सिर्फ 200-300 आ रहे थे, अब पहले दिन में 1000 से लोग ज़्यादा आए। तो नाउ वी कैन नॉट इवन कोप विद द नंबर ऑफ कमिंग। दिस इज़ द बिगेस्ट ओपनिंग सेशन ऑफ द लिटरी फेस्टिवल दैट वी एवर हैड। And I think it's one of the, apart from the Jaipur Lit Fest, it's one of the biggest literary festivals in India. And they come from all over. Sirf Himachal se nahin, Haryana se, Punjab se. Ek main, mujhe koi mila tha, wo Malaysia se aayi hai. To England se koi, mera khayal, ek dozen log aaye hain, vilayat se. To wo har ek saal aate hain. So we need whatever support we can get. And we are not getting enough. Lifetimes TV के लिए सोलन से मनोज ठाकुर की रिपोर्ट। Lifetimes TV के Facebook पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।